एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एफ सोसाइटी के बारे में। तो बहुत लोगों ने मिस्टर रोबोट सीरीज देखी होगी। ये सीरीज कुछ अलग है बाकी सीरीज के मुकाबले क्योंकि इसके अंदर आधी से ज्यादा हैकिंग की जो भी टेक्निक्स है वो एकदम रियल है, रियल लाइफ में भी वो काम करती है। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या है, एफ सोसाइटी नाम का जो भी उसके अंदर हैकिंग का ग्रुप था, हैकर्स का ग्रुप था, उसके नाम से एक टूल है हमारे पास और उस टूल का नाम है एफ सोसाइटी। तो एफ सोसाइटी टूल के अंदर आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस अकेले टूल के अंदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स, तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इस एक सिंगल टूल के अंदर मिल जाएंगी। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टूल है क्योंकि आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नेटवर्क टेस्ट के लिए आप पहले कहीं एन मैप पे जा रहे हैं, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहीं और जा रहे हैं, वायरलेस अटैक करने के लिए आप एयर क्रैक या फिर एयर ग्रेडॉन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही मिल जाएंगी। तो बार बार आपको स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके यूज़ के बारे में देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो पूरी देखें उससे कुछ सीखने को मिले तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है सब पे वर्क करता है। तो हम पैरट पे आज वर्क करके देखेंगे क्योंकि काले लिनक्स हम सारे प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट काले लिनक्स पे ही करते हैं। तो आज हम पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम पे करके देखेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये वाला पेज खोल लीजिए, गिटहब पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं जाना तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सिंपल किसी भी ब्राउजर में एफ सोसाइटी हैकिंग टूल्स, तो आपको गिटहब का यहाँ पे ये वाला पेज मिल जाएगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लो या फिर मैं इसका गिट क्लोन यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसका कोई काम अब हमारे पास बचा नहीं है। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल में, टर्मिनल में जाने के बाद मैं देखता हूँ उस फाइल को सेव कर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ पहले। तो मैं गया सीधी डेस्कटॉप और ये मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गिट क्लोन और उसका यूआरएल जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना वो मैं पेस्ट करके एंटर मार देता हूँ। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद दोबारा मैं ये वाली कमांड चलाता हूँ इसके अंदर और ये यहाँ पे क्लोन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। बहुत ही छोटी फाइल है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा ये एफ सोसाइटी नाम का फोल्डर बन चुका है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो मैं गया सी डी एफ और ये सोसाइटी। अब फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ मैं, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि हमें पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में और काले लिनक्स में सारा काम कमांड लाइन पे करना प्रीफर करते हैं सारे लोग। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं ग्राफिकली, लेकिन कमांड लाइन बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे आपको दो स्क्रिप्ट मिलेंगी, एक तो ये पहले तो इंस्टॉल वाली जो जिसका कलर अलग है, मतलब इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल रखी है, हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देनी। अगर देनी होती तो हम क्या करते, सी एच मोड लगा के इसको एक्स लगा के उस फाइल का नाम देते और उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हम लोग, लेकिन हमें देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इंस्टॉल करना है ना इसको, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल नाम की फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल भी इजीली कर सकते हैं। तो फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा यूज़र का। तो मेरा पासवर्ड था सिंपल टूर और मैंने उसको एंटर कर दिया। ये यहाँ पे हो चुका, अब ये फाइल को इंस्टॉल करेगा, स्टार्ट करेगा। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप इसको वर्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हो चुका, बड़ी जल्दी हो गई। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैं इसको लेके जाऊँगा टर्मिनल में और कहीं से भी मैं डाल दूँगा एप सोसाइटी। तो आपके सामने एफ सोसाइटी डालते हैं, हमारे सामने ये शो करेगा। इसके बाद आप पूरा रीड कर सकते हैं जो जो ये बता रहा है और हम कर देते हैं इसको यस। यस करते ही ये पूरा का पूरा आपके सामने ऐसा शो हो जाएगा। हम इसको बड़ा करके अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। ऐसे आपके पास कितने 8 तो ऑप्शन हमारे पास और उसके बाद 99 दबा के हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन खोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का 1 दबा के। तो उसके अंदर हमारे को इतने सारे टूल मिल जाते हैं, सबसे पहले एन मैप मिलेगा, सेट टूल किट और होस्ट टू आईपी। तो हम ना थर्ड वाला ट्राई करते हैं जो जल्दी हो जाएगा। तो मैं 3 दबाता हूँ और होस्ट टू आईपी में मेरे को जैसे किसी की आईपी चाहिए तो मैं उसका सीधा नाम डाल देता हूँ एंटर होस्ट, तो मैं गूगल डाल देता हूँ।
google.com तो ये मेरे को सीधा उसकी आईपी प्रोवाइड कर देगा। तो काफ़ी सिंपल है और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इसके अंदर फीचर्स है, तो बहुत आसान हो जाता है चूज़ करना। अब दूसरा है WPS स्कैन, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब मैं 99 दबा के बैठ जाता हूँ और देखते हैं। जैसे पासवर्ड अटैक, ये काफ़ी अच्छा है। पासवर्ड अटैक के अंदर आपको मिलेगा CUPP, तो ये पता क्या होता है, ये होता है कस्टम वर्ड लिस्ट जब हम बनाते हैं अपनी, क्रिएट करते हैं। जैसे डिक्शनरी अटैक के अंदर हम लोग कस्टम वर्ड लिस्ट बनाते हैं अपनी, तो उसके लिए अंदर ये होता है। और नीचे ब्रूट एक्स है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है बिगनर्स के लिए। फिर हम लोग गए वायरलेस टेस्टिंग में, और तो हम 3 दबा के एक बार देख लेते हैं इसके अंदर हमें कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर ऐसे ही करीब कितने सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक बार फिफ्थ देख लेते हैं स्निफिंग के बारे में, तो यहाँ पे SLS स्ट्रिप के बारे में और PY फिशर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमको मिल जाएगी, जो हम धीरे धीरे करके अगर आप सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे कौन क्या कैसे काम करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि एस सोसाइटी के बारे में, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसके फीचर सब कुछ मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि हमें अगर इसको इंस्टॉल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी फाइल डेस्कटॉप पे कॉपी करी थी, तो मैं यहाँ पे गया। अब यहाँ पे आपके सामने इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब जैसे मुझे एक बार ना इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, आपको टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वहाँ से भी ऑप्शन होता है ये -- इंस्टॉल करके हो जाता है वो भी, लेकिन मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अगर मेरे को टर्मिनल में करना है तो मैं टर्मिनल में करके देख सकता हूँ इसको इंस्टॉल, या फिर अगर मैं इसको डबल क्लिक करके रन करवा दूँ सिंपल, तो ये ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो मतलब अभी वो इंस्टॉल हो चुका है, दिखाएगा नहीं। और इंस्टॉल करना है तो दोबारा मैं इस पर जाऊँगा और इसको रन कर दूँगा, तो ये सिंपल वैसे भी रन हो चुका है। देख लेते हैं एक बार हम लोग जाके, और यहाँ पे हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, डबल क्लिक एंड रन इन टर्मिनल, तो ये सिंपल रन हो चुका है। तो यही था आज के इस वीडियो में कि कैसे हम एफ सोसाइटी जो हमारा टूल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। बिगिनर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें अलग अलग टूल्स में स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं लेके आता हूँ अपने चैनल पर ऐसी हैकिंग से रिलेटेड वीडियो। जब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून।